ही खूबसूरत ये जगह है। सो ये है कहाँ पे आप लोग को अगर पता नहीं तो बता दो, ये जो पानी टैंकी एंड हरिसावा वाला रोड जो है उसके बीच में है, गुरुद्वारा जो है उससे थोड़ा सा आगे। एंड या ये है कुछ यहाँ का व्यू, और ये मॉर्निंग के जो है यहाँ पे टाइमिंग्स आई डोंट नो, बट मॉर्निंग में जहाँ पे नॉर्मली जब मंदिर का जो टाइमिंग होता है खुलने का वो, एंड इवनिंग में रहता है। सो मैं अभी इवनिंग में यहाँ पे आई हूँ दर्शन के लिए, एंड मैंने सोचा कि यू नो क्योंकि ये बहुत फेमस है हमारे शहर का ये मंदिर और बहुत पुराना भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम कवर करते हैं। सो मैं यहाँ को कवर करने आ गई हूँ, एंड बाकी जो डिटेल्स होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो ज़रूर चेक कीजिएगा। और चलिए आज के इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। हम अब देवी मंदिर के अंदर में आ चुके हैं, और मेरे पीछे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगते हैं जहाँ से आप प्रसाद फूल सब कुछ ले सकते हैं, एंड आप अपने घर से भी लेके आ सकते हैं। सो मैं अपने घर से भी लेके आई हूँ, सो आप लोग यहाँ से फूल प्रसाद लड्डू जो भी है सब कुछ आप ले सकते हैं। एंड उसके यहाँ पर आप देखेंगे तो मंदिर है, और मंदिर के बाद इधर में पूरा फील्ड है, पीछे में बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस ये जगह है, बहुत क्लीन है। तो हम अंदर चलते हैं। हाँ, मैं पूरा बाहर से आपको व्यू दिखाऊंगी, मैं अंदर का व्यू जो नहीं लूंगी, बिकॉज देवी मंदिर देवी माँ का जो मूर्ति है वो गोल्ड का है, और वहाँ पे कैमरा से वीडियोस या फोटोज लेना अलाउड नहीं है, सो हम अंदर का नहीं लेंगे। पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि यू नो मंदिर में आते हैं तो यहाँ से आप प्रसाद या फिर पूजा के लिए जो भी चढ़ाना है वो सब आप ले सकते हैं। बट मुझे यहाँ का जो पेड़ा होता है ना, मैं सच बताऊँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे फ्रेश नहीं लगता है। सो आप अपने लिए अपने घर के लिए प्रसाद सच में चाहते हैं तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर जो है बेसन के लड्डू ले कर आई हूँ, एंड चढ़ा भी चुकी हूँ, तो मैं ये घर पर भी ले जाऊँगी एंड सबको यहाँ का प्रसाद भी दूँगी। गाइज यहाँ पे जो है ना कुछ आंटी बैठ के भजन कर रही है। आंटी आप लोग कहाँ से आई हैं? हाँ बेटा हम मिस्कॉट में रहते हैं। मिस्कॉट में घर है आप लोग का? ये तीनों आदमी अकेले हैं। अच्छा, आप लोग हमेशा आती हैं क्या यहाँ पे? हाँ बेटा। कैसा लगता है आपको यहाँ देवी मंदिर के दर्शन करके? अरे देवी मंदिर का दर्शन करके बहुत शांति मिलता है, माँ हमेशा मेरे साथ रहते हैं, यही बात है, सुकून मिलता है बहुत। हाँ। है ना? कब से आप लोग आ रहे हैं, कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? तो पहले मैंने हमको ही है बीच में जो चले जाते हैं बाहर तो नहीं आए। अच्छा। नहीं अगर रहे यहाँ तो अपना पाँच मिनट के लिए 10 मिनट के लिए तुमसे मिलकर तो और खुश हुआ, तुम फोटो अति कर रही हो। जी मेरा काम ही वही, हम बिहार को दिखाते हैं। अच्छा। पूरे बिहार में जो चीज़ें फेमस हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है यहाँ के बाहर के लोगों को, उनको बताते हैं, इसीलिए ना हम साड़ी भी चेक कर ली थी। अरे वाह, आंटी ने अपना साड़ी ठीक कर लिया था, इधर एक आंटी नहीं दिख रही। नहीं पर आप फिर भी बहुत सुंदर लग रही हैं। नहीं बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात। मंदिर में वैसे भी क्या सुंदर क्या दिया है, सुंदर मन साफ होना चाहिए, सबसे सुंदर तो ही देवी माँ। हाँ, आई दिल साफ रहना, सही बात, जो तुमको आशीर्वाद देंगे जो देवी माँ बहुत अच्छा करें। शुक्रिया। हाँ खुश रहो, हम पहले फोटो ले रहे हैं।
समझ गए जो तुमको। सो गाइज, ये था मेरा आज का देवी मंदिर का ब्लॉग। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया, स्पेशली जो अंदर में देवी माता की जो मूर्ति है उसको कवर नहीं किया। आप लोगों को पता है क्यों नहीं किया, बिकॉज़ वो गोल्ड का बना हुआ है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे कैमराज अलाउड नहीं है। अगर आप लोग आते हैं तो बहुत लोग को मैं देखती हूँ सेल्फी लेते रहते हैं, तो प्लीज़ वहाँ अंदर में सेल्फीज़ मत लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और इसीलिए मैंने अंदर के एरिया को कवर नहीं किया, बट बाहर का नेचर, बाहर का जो व्यू है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लाइक मैं भी ऑलमोस्ट आधे घंटे से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे जब आते हैं ना तो एक अलग सी शांति मिलती है। आप जब भी टेंशन में हो, पूरे दिन आप काम करते हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो ना, तो यहाँ पे आके आप कुछ देर बैठिए, आपको जो शांति मिलेगी ना, जो आपको लाइक फील होगा, जो लाइक पीस मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप कितना भी पार्टी कर लो, कहीं घूम लो फ्रेंड्स के साथ, मूवी चले जाओ, बट जो शांति आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिल सकती है। सो आप लोग भी आ चुके होंगे, तो आप लोग जब यहाँ आते हैं तो आपका कैसा फील होता है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहता है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड या जितना कुछ है, लाइक अगर आप मुजफ्फरपुर से बाहर के लोग अगर देख रहे हैं तो इसका मैप लोकेशन और फुल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड करते इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो डोंट फर्गेट टू लाइक एंड शेयर। जितने भी मुजफ्फरपुर के लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि पूरे बिहार एंड पूरे इंडिया में पता चलना चाहिए कि हमारे मुजफ्फरपुर में भी इतना सुंदर देवी मंदिर है। एंड चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।